हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कितने लोग चाह रहे कि उसकी भी अच्छी पर्सनालिटी हो, वो भी अट्रैक्टिव दिखे, पर कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। तो कितने लोग ट्राई भी करते हैं, पर अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छे दिखने में आपको मतलब कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आपको सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान रखना है, वो चीज़ है वेट लॉस। वेट लॉस मतलब जैसे मैं वेट लॉस का नाम दूंगा, आपके माइंड में एक चीज़ आ जाएगी, मतलब जिम की इमेज आ जाएगी, प्रोटीन पाउडर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पर मैं आज आपको 10 ऐसे सिंपल चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप प्रॉपरली मतलब अपना वेट लॉस कर पाएंगे। आपको कोई मतलब आप जिम नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, आप घर पे बैठे बैठे ही मतलब बैठे बैठे नहीं पर घर पे ही आप अपने मतलब अपना जो फैट है उसको लूज़ कर पाएंगे। मतलब आप सोच सकते हैं आपका अट्रैक्टिव फेस है, लड़की मैं मानता हूँ कि सबसे पहले आपका फेस ही देखेगी, आपका अट्रैक्टिव फेस है। पर जैसे आपके फेस के नीचे आए यहाँ पे आपको मतलब 3 MRF के बड़े से टायर जैसा आपका पूरा टमी है, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आपको भी वेट लॉस की तकलीफ़ है तो आप ये वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट पे है कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। आपको ब्रेकफास्ट आपको हर सुबह करना ही चाहिए। मतलब कितने लोग क्या करते हैं, लेट उठते हैं और ब्रेकफास्ट मतलब लेट करते हैं 10-11 बजे, तो उसे ब्रेकफास्ट नहीं कहते। आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 बजे उठ जाना है, थोड़ा सा जल्दी आपको 7 बजे उठ जाना है। 7 से मतलब 8 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट कर देना है, फ्रेश हो जाना है। आप मतलब ये मत सोचना है कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा टमी अंदर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप 6 से 7 घंटे मतलब 6 से 7 नहीं पर 10 से मतलब आप जितने घंटे सो रहे हैं आपने उतने घंटे अपने पेट में कोई भी मतलब एक टुकड़ा भी फूड का नहीं डाला है, आपका स्टमक पूरी तरह से एम्प्टी है। तो आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, वरना आपको मतलब आपका टमी अंदर तो नहीं जाएगा पर आप बीमार ज़रूर हो जाएंगे। तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। तो भाई, 2 पॉइंट पे है कि आपको हफ्ते में एक बार फास्ट रखना चाहिए। फास्ट मतलब उपवास आपको हफ्ते में एक बार रखना चाहिए। मतलब आप हफ्ते में मतलब सैटरडे या संडे एक दिन चुने, उसमें आपको 3 मतलब आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है उसमें से एक मतलब एक मील ना कीजिए। आपको ब्रेकफास्ट तो करना है या फिर लंच या डिनर, दोनों में से एक चीज़ ना कीजिए। हफ्ते में एक दिन आपको फास्ट रखना है। आप पूरा दिन भी फास्ट रख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब खाना है जो जैसे हम नॉर्मल फास्ट करते हैं वैसा ही करना है, या फिर ये पूरे एक टाइम का खाना मतलब आप स्किप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि पहले तो फास्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, सेकेंड आपका पेट जो बाहर निकला हुआ है वो भी अंदर चला जाएगा। तो आपको हफ्ते में एक दिन फास्ट करना है। तो गाइस, 3 पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है। मतलब आप मतलब एक दिन आपने मतलब फास्ट किया या फिर आपने एक्सरसाइज की, ये सारी चीज़ें की, और दूसरे दिन से सोच रहे भाई नहीं आज रहने देता हूँ, आज एक्सरसाइज कुछ नहीं करता हूँ, तो ये नहीं चलेगा। आपको पॉजिटिव रहना है। आप मतलब थक जाएंगे तो आपको लगेगा भाई नहीं आज कुछ नहीं करना, पर आपको पॉजिटिव रहना है और अपना जो आपने रूटीन बनाए वो रूटीन आपको फॉलो करना है। तो 3rd पॉइंट ये था कि आपको पॉजिटिव रहना है। तो 4th पॉइंट पे चल रहे थे। 4th पॉइंट ये है कि आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं। फ्रूट्स मतलब जो भी हम बनाना या फिर ये सारी चीज़ें जो फ्रूट्स अभी मिलते हैं वो आपको खाने चाहिए। फ्रूट्स में आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद या उसके पहले आप जब भी खाना चाहे फ्रूट ज़रूर खाएं। जंक फूड आप अपने सामने देख रहे थे, आपको जंक फूड को हटा के फ्रूट्स खाने चाहिए। आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी और आपको मतलब वेट लॉस भी हो जाएगा। तो 4th पॉइंट तो ये था। आप चलते पॉइंट नंबर 5th पे। तो पॉइंट नंबर 5th पे मतलब ये मैं टैबलेट्स यूज़ कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं मार्स बाय GHC की ये वेट लॉस की टैबलेट्स आती है। ये टैबलेट्स आप लोग सोचेंगे भाई ये हेल्दी है या नहीं, तो अभी आपको यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए होंगे कि ये टैबलेट में कौन से इंग्रेडिएंट्स है। कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो आप मतलब ये बेझिझक ले सकते हैं। मैं ये टैबलेट्स हर रोज़ लेता हूँ। दिन में आपको 2 टाइम लेनी है। मतलब आप सुबह उठते हैं ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको ये गर्म पानी में ले लेनी है। उसके बाद आपको 15 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट कर देना है। उसके बाद आप जब भी वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट से 10 मिनट पहले आपको ये ले लेनी है। ये टैबलेट्स में मतलब कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सिर्फ आपको ये टैबलेट लेते वक्त नहीं, आपको टैबलेट के ये ध्यान रखनी है कि आपको अंडर 25°C इसे रखना है, और आपको मतलब ये कोई डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उसको उनसे भी इसे दूर रखना है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ टैबलेट कैसी है। अभी देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की टैबलेट है। ये ग्रीन कलर की इसके लिए इस वजह से है क्योंकि ये ग्रीन टी आती है उससे बनी है, उसका लिए ग्रीन टी से बना है। सारे इंग्रेडिएंट्स में जैसे आपने देखा होगा ग्रीन टी भी है उसमें से एक इंग्रेडिएंट्स, तो कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आप ये बाय ज़रूर कीजिए, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपका वेट मतलब जो भी आपकी टमी पे जो भी मतलब फैट होगा वो सारा निकल जाएगा।
तो आप ये ज़रूर बाय कीजिए। पर आई सजेस्ट, मतलब आपको कोई जिम ट्रेनर है या फिर आप कोई डॉक्टर को जानते हैं पर्सनली, उनसे एक बार सजेशन ज़रूर ले। आपका जिम ट्रेनर मतलब आप ये सामने शर्मा जी का लड़का है, उसकी बॉडी थोड़ी सी अच्छी है, तो उसको पूछ लेता भाई ये टैबलेट ले सकता हूँ, वो उसको कुछ पता होगा नहीं, वो हाँ या ना आपको कुछ भी कह देगा। पर जो सर्टिफाइड ट्रेनर होता है जिम के या फिर कोई डॉक्टर होता है, उसको आप पूछ सकते हैं कि भाई ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस टैबलेट में है, क्या मैं ये टैबलेट ले सकता हूँ, तो वो आपको ज़रूर हाँ कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल इंग्रीडियंट्स कुछ आता नहीं है जिससे आपके बॉडी को कुछ हार्म हो। तो आप ये ज़रूर बाय कीजिए, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वही जब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, तो पॉइंट नंबर 6 पे है कि आपको जंक फूड अपने घर में ज़रा सा भी नहीं रखना है। अगर आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, मतलब आपको फैट लूज़ करना है और आपकी बॉडी को हेल्दी बनाना है, तो आपके घर में जंक फूड ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। मतलब जंक फूड होगा आपके घर में, आपके सामने पड़ा होगा, तो आपका मन होगा ही, मतलब आपको खाने का मन होगा। तो जंक फूड के अलावा आपको फ्रूट्स रखने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स रखने हैं, प्रोटीन जैसी मतलब पालक ऐसी कुछ चीज़ें रखनी है। पालक मतलब कितने लोगों को पसंद आती है या नहीं आती है, पर आपको फ्रूट्स तो ज़रूर रखने हैं। जंक फूड का मतलब आपको मन हुआ तो उसके अलावा आपको फ्रूट्स खा लेने हैं, जंक फूड को हो सके तो आपको इग्नोर करना है। तो वैसे नंबर 7 पे है कि आपको हो सके उतना पानी पीना है। आप हो सके उतना पानी पियेंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में, पहली चीज़ तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके बॉडी में जो भी मतलब आपको क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो तो आपको भूख थोड़ी सी कम लगती है। तो क्या होगा कि भूख अगर कम लगेगी तो आपको जंक फूड की तरफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, आप वेजिटेबल्स खाएंगे, हेल्दी फूड थोड़ा सा खाएंगे, तो ये सारी चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको पानी हो सके उतना ज़्यादा पीना है। तो गाइस ये तो पॉइंट नंबर 7 था, अब चलते पॉइंट नंबर 8 पे। तो गाइस पॉइंट नंबर 8 पे आप लोग सुनते कि भाई तू पहले तो जंक फूड खाने से मना कर रहा है, अब कह रहा है कि आप जंक फूड खा सकते हैं। तो हाँ, पॉइंट नंबर 8 पे ये है कि आप जंक फूड खा सकते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि हफ्ते में आप कहीं मतलब कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन है, तो वहाँ पर आप कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आपको जंक फूड मतलब कोई बाहर की चीज़ें खानी ही पड़ेगी, तो आप ये चीज़ खा सकते हैं बाहर की। पर उसके सामने आपको थोड़ा सा वर्कआउट, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कार्डियो कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। आपने मतलब कल पिज़्ज़ा खाया तो आपको आज थोड़ी सी मतलब एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है, तो क्या होगा कि वो सारी कैलोरीज आप बर्न कर पाए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको शुगर का लेवल अपनी बॉडी के लिए मतलब थोड़ा सा कम कर देना है। आपको बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खानी, मतलब आपको शुगर खानी चाहिए। मतलब अभी हम टीनेजर्स हैं, आपकी एज थोड़ी सी बढ़ रही है, मतलब आपको एक बहुत बूढ़े आदमी तो हो नहीं गए, आपकी बॉडी को शुगर ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो आपको प्रॉपर बंद नहीं कर देना है। शुगर आपको लेनी चाहिए, पर आप जितना स्वीट खा रहे हो उससे थोड़ा सा कम कर देना है। स्वीट क्या होगा कि आपकी बॉडी में आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचेंगे भाई स्वीट से क्या फैट होगा, पर स्वीट से फैट होता है। आप सोचेंगे भाई हफ्ते में एक बार मैं खाता हूँ, तो हफ्ते में एक बार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये पॉइंट उनके लिए जो आप डेली मतलब जो शुगर का मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, उनके लिए कि आपको शुगर का लेवल थोड़ा सा मतलब कम करना चाहिए। तो भाई लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है कि आपको जब खाने बैठ रहे हैं तो आपको छोटी सी प्लेट लेनी चाहिए, छोटी सी प्लेट में आपको खाना लेना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि आपको माइंड में ये रहेगा भाई मैंने एक प्लेट तो खाना खा लिया, दूसरी प्लेट लूँगा तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्मॉल प्लेट होगी तो आपको लगेगा भाई नहीं पूरी प्लेट भर के मैंने खाना खाया। आप सोचेंगे भाई ये तो छोटे बच्चे से जैसा है, इससे क्या फ़र्क होगा, पर आप माने या ना माने इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आपको छोटी सी प्लेट में खाना खाना चाहिए, तो आप पहले तो थोड़ा सा कम खाना खाएंगे, दूसरी बात आपको प्लेट मतलब फुल प्लेट होगी तो आपको लगेगा भाई फुल प्लेट मैंने खाना खा लिया, उसके बाद आप पानी पी लेंगे तो आपका पेट प्रॉपर हैवी हो जाएगा, तो आपने बहुत ज़्यादा मतलब कैलोरीज वाला खाना भी नहीं खाया और आपका पेट भी फुल हो गया। तो गाइस ये सारी चीज़ों में मैंने मतलब एक्सरसाइज, कार्डियो ये सारी चीज़ें ऐड नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हर कोई बता देता है और आपको भी पता है कि कार्डियो करने से, एक्सरसाइज करने से आपका जो फैट होगा वो लूज़ होगा। पर ये सारी चीज़ें जो है मैंने बताई वो आप डे टू डे लाइफ में करेंगे तो एक्सरसाइज के अलावा भी आप मतलब रूटीन में अपना वेट लॉस कर पाएंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जैसे को लाइक ज़रूर कीजिए और ये इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।